हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह है आज 26 जनवरी, और रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में और देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम है। और अभी आपको भी मैं दिखाऊंगी प्रोग्राम के लिए। तो मेरी बेटी तो स्कूल जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं इस एनएफसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहाँ पे सारे गेम्स वगैरह होते हैं। तो आप देख सकते हो सारा प्रबंध कर दिया गया है, यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगाए क्योंकि धूप बहुत तेज थी आज। तो चेयर वगैरह सभी का सेक्शन भी सबका अलग अलग है, कौन को किसको कहाँ पे बैठना है। और बच्चे, पेरेंट्स, सब लोगों के लिए सीट अवेलेबल है। तो अभी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप देखिए क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप जरूर दूसरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको साथ शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो। भारतवर्ष है वह देश, भारतवर्ष है जीवन के समान ही राष्ट्र का इतिहास भी उन्नति अवनति और हर्ष विषाद की कहानियों से बनता है। स्वाधीन देश और उसमें भी उसका अपना संविधान हो तो वह देश आशातीत प्रगति कर भारत को भी शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन की पराधीनता की श्रृंखलाओं में अंग्रेजों के अत्याचारों को सहन करना पड़ा, पर भारतीय अपनी आजादी के लिए सतत संघर्ष करते रहे और ब्रिटिश हुकूमत की लगभग है वह जब तक लक्ष्य को और यह सलामी परेड कमांडर श्री इंस्पेक्टर वशिष्ठ कुमार जी द्वारा दिया जा रहा है। पीस, ट्रुथ, प्रॉस्पेरिटी, प्राइड एंड डिग्निटी। He is also the director of both of UTIL and IRPL. Dr. Kapoor is an outstanding scientist and a matriculate engineering, joined the 33rd batch of VARC training school, Mumbai in 1989. Sir Honorable Chief Guest, to unfold the national flag and mark the occasion. CISF Commander Rahul Singh Gautam, escorted by the Parade Commander Inspector, the Parade Contingents. The platoon number 1 is headed by Commander Sub-Inspector Executive P.
Lipcha. Proceeding towards plateau number 2 is the fire platoon. He's headed by Commander Sub Officer Chris Sagar Sir. Platoon number 3 is a proud NCC troop led by Ladli Verma. Platoon number 4, the armed forces. Now towards the NCC girls, led by Ladli Verma. Proceeding towards the armed forces is headed by Sub-Inspector Ghanshyam Shukla. Next, platoon number 5 is headed by Assistant Sub-Inspector Nikhil Khokar. और यह परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 1 के छात्रों का प्लाटून है. इसका नेतृत्व भुवन चंद्रा कर रहे हैं और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2 की छात्राओं का प्लाटून है. इसका नेतृत्व कुमारी डोला कर रही हैं और अब परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2 की बालिकाओं का प्लाटून है. इसका नेतृत्व नवी कक्षा की छात्रा भाव्युक्ति उमाश्री कर रही हैं और यह अंतिम प्लाटून परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2 के छात्रों का है. इसका नेतृत्व पथ संचलन का और भी अद्भुत दृश्य होता है. वहां पथ संचलन के साथ साथ विभिन्न प्रांतों की विभिन्न झांकियां भी प्रदर्शित की जाती हैं. Now the chief guest is back to the days along much past. It's a spectacular lineup just waiting to unfold and show their fitness. And the march past begins. It's a spectacular lineup showing their levels of fitness. They are truly inspirational in the true sense. Vasish Kumar marching with majesty and grace, moving to the saluting base. Show indeed, grace and decorum, moving towards the Vasish Kumar. Following them with commitment to character and development, leadership and adventure is platoon number 3, the girls NCC team led by Ladli Verma. Ladli Verma of class 9A from AECS 2 Hyderabad represented the second band NCC group team for the Republic Day. Next, approaching at the saluting base is the platoon number 4, the armed forces led by Ghanshyam Shukla. Next, we have at the saluting base is platoon number 5, headed by Assistant Sub-Inspector Nikhil Khokar. और ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों का अनुकरण करते हुए परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 1 का छात्र दल कदम से कदम मिलाकर अग्रसर है. इसका नेतृत्व नवी आके भुवन चंद्र कर रहे हैं और अब बालिकाओं के इस प्लाटून का नेतृत्व नवी बाकी छात्रा ब्योला कर रही हैं. इसके साथ ही अब परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2 की बालिकाओं का दल कदम से कदम मिलाता हुआ अग्रसर है. इसका नेतृत्व नवी बाकी छात्रा भाव्युक्ति उमाश्री कर रही हैं और यह अंतिम प्लाटून इसका नेतृत्व नवी आके छात्र श्री विष्णुवर्धन कर रहे हैं. और इस तरह मुख्य अतिथि महोदय जी को सलामी दे रहे हैं.
आप सभी ने दर्शकों में भी एक प्रकार का जोश भर दिया। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मास्टर के कार्तिकेया, दसवीं ए ने भी ऑल इंडिया एसीएस आर्ट कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त कर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय के हैदराबाद को गौरवान्वित कर प्रतिष्ठित किया है। ये के कार्तिकेया प्रदेश स्तर पर, स्टेट लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 14 नवंबर 2022 को पेंटिंग कंपटीशन में 9,500 रुपयों की नकद धनराशि के साथ कंसोलेशन प्राइज प्राप्त किया तथा कुमारी निर्विघ्ना ने प्रमाण पत्र सहित 2,000 रुपयों की नकद राशि पुरस्कार में प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जल डिपार्टमेंट तेलंगाना, हर डिजाइन इज अमंग द टॉप 3 एंट्रीज, सी इज गोइंग टू रिसीव कैश प्राइज ऑफ 2022 को परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय एक हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसमें 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालयों ने भाग लिया। जूनियर कैटेगरी में हमारे विद्यालय के कुमारी वैष्णवी दसवीं बा और मास्टर एस हरीश्वर दसवीं बा ने वाद विवाद प्रतियोगिता में